सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज अशराज, यू वॉचिंग आरएसए फिल्म्स। तो आज अपन रिव्यू करने जा रहे हैं न्यू 2020 BS6 एक्टिवा 6G के ऊपर कि क्या क्या इसमें नए अपडेट आए हैं और कितनी अच्छी ये बाइक है। मैं आज सबको सब बताऊँगा और डिटेलिंग रिव्यू है ये। छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें चेंज हुई हैं वो भी आपसे मैं आपसे शेयर करूँगा आज कि क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, और साथ ही साथ ये इसमें और जो एक्टिवा 5G है उसमें क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंस है, तो मैं आज आपको सब बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस बात करते हैं लुक के मामले में, तो लुक चेंज हो गया है पहले से। पहले जो 5G आती है, अभी भी आती है 5G, तो 5G में इधर पे आपको DRL मिलेगा और इसमें आपको DRL नहीं देखने को मिलेगा। डे टाइम रनिंग लाइट इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसे यार एक DRL तो देना था जैसे 5G में था। अगर वो होता छोटा सा DRL दे देते कहीं पे भी, ऐसा कोई मतलब छोटी छोटी दो लाइट्स दे देते, DRL अच्छी लगती है यार बाइक में। तो अब नीचे की तरफ आएंगे, तो पहले आपको ये सिस्टम था, ये रहता है यू, ये पहले इधर आपको रबड़ देते थे और अब रबड़ नहीं है इसमें। अब इसमें आपको देते हैं ये फाइबर का ही पूरा है, और ये पूरा मतलब इससे जैसे पहले रबड़ का ही प्रॉब्लम होता था कि ज़्यादा धूप में आप बाइक खड़ी कर देते थे, अपनी मोपेड खड़ी कर देते थे, स्कूटर ज़्यादा धूप में अपनी स्कूटर खड़ी कर देते थे एक्टिवा, तो उससे होता क्या था कि ये इधर की जो रबड़ थी वो ख़राब होती थी। और पहले वो छोटा सा ही आता था, बहुत बहुत छोटा था, इतना जगह था, उसको इंक्रीज़ करके बड़ा कर दिया है, लुक को थोड़ा अच्छा कर दिया है पहले से। और आपको जो नंबर प्लेट का ये है स्टैंड, जिसमें नंबर प्लेट आप इसमें आप लगा सकते हो, माउंट है जो, इसको भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो अब आते हैं अपन नीचे की, तो सबसे बड़ा चेंज है जो एक्टिवा में, जो बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सबसे बड़ा चेंज है, तो वो चेंज ये है इसके जो शॉकअप्स हैं, ये शॉकअप इसके टेलीस्कोपिक कर दिए हैं। जो पहले शॉकअप थे वो क्या करते थे, हाइड्रोलिक शॉकअप थे, तो वो जब ब्रेक मारते थे तो बाइक का जो शॉकअप है वो ऊपर जाता था। तो उन्होंने किया क्या, इस चीज़ को सही किया, तो ये मेरे को एक सही चीज़ लगी। और जो उसका मडगार्ड है, मडगार्ड भी इसने थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, पहले ऐसा नहीं आता था, थोड़ा सा उठा हुआ आता था, थोड़ा शार्प लुक में मडगार्ड आता है, तो ये सही किया इन्होंने, मडगार्ड में भी चेंजिंग किया है। और जैसा कि इसका ये है टायर इन्होंने बड़ा किया है, टायर ये है 12 इंच का इसमें टायर दिया है, अब देखो टायर बड़ा किया है अगला। और CVS वो पहले जैसा CVS आता था, इसमें CVS है और ड्रम ब्रेक यूज़ करे गए हैं। CVS भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है CVS में भी। CVS में एक्चुअल में होता क्या है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, आप अगला ब्रेक मारोगे तो ऑटोमेटिकली आप पिछला ब्रेक मारोगे तो अगला लगता है, सॉरी। तो ये है CVS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये हो गया अपना सामने का लुक, सामने का लुक थोड़ा बहुत चेंज है, मतलब DRL नहीं दिया है, थोड़ा ये बड़ा कर दिया है सामने का ये, और थोड़ा मड फ्लैप इनने सही कर दिया है, और टायर बढ़ा दिया, सबसे अच्छी चीज़ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है, जब बाइक मारती तो बाइक दबती है ना कि उठती है, तो ये एक सही है। तो अब बात करते हैं अपन इसके क्लस्टर्स की, तो जो इसका मीटर है कुछ इस तरीके का है, फुल्ली एनालॉग मीटर है इसका। तो मीटर में कुछ खास नहीं किया इनने, जब आप ये देखो ये ऑन करते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो मीटर में सिंपल आपको इधर बताएगा स्पीड, कितनी स्पीड है आपकी बाइक चल रही है, उसके नीचे बताएगा टोटल ट्रिप, और उसके नीचे आपका फ्यूल गेज का मीटर है कि फ्यूल बताएगा कितना है। फिर आप इस साइड जाओगे तो ये मैं चालू करके देखो दिखाऊंगा, ये FI की लाइट जलती है, इधर FI का दिया है, इधर लो बीम, इधर हाई बीम का सिंबल है, हाई बीम जब आप इधर से करोगे तो हाई बीम, और ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स। तो ये सिंपल सा इसका एक एनालॉग मीटर है, कुछ भी नहीं चेंज है एनालॉग में, सिंपल है। और आप इस साइड आओगे तो आपको इधर मिलेगी लो बीम, हाई बीम, और ये पासिंग, ये इधर से पासिंग है, ये पासिंग है, और अब ये इंडिकेटर का है, और उसके नीचे ये हॉर्न का है। और जो सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको मिलता है इंजन किल स्विच, ये है, ये इसका इंजन किल स्विच, ये बाइक चालू करी मैंने, ये बाइक चालू हुई, अभी मैंने ये बंद कर दी, तो इसमें इंजन किल स्विच है सेल्फ के साथ। तो और उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो अपन को इधर पे मिलता है, इधर से आपका पूरा सिस्टम है, ये आपका फ्यूल का पीछे का खोलता है फ्यूल गेज, इसमें ये आपका सीट, और ये आपका पूरा सिस्टम है, इससे ये लॉक, ये पूरा लॉक है। और इधर इनने कोई भी स्टोरेज, मतलब आप बॉटल जैसे रहते रखने का इधर बना रहता है, एक्सेस में है, बहुत सी मोपेड्स में इसमें नहीं है वो, इसमें आपको सिर्फ इधर पर ही एक मिलेगा, इधर पर आप कुछ भी छोटा मोटा कैरी बैग या ऐसा कुछ आप इधर कैरी कर सकते हो। और एक ये नीचे साइड ही हुक दिया है, तो ये हुक
छोटा सा हुक दिया है, ये भी ज़्यादा कुछ उसका मतलब नहीं है। तो अब बात करते हैं अपन बाइक की डिक्की स्पेस, बूट स्पेस कितना है। तो अपन अब बाइक का बूट स्पेस देखते कितना। तो बूट ये ऑफ खुल गया आपका सीट, ये आपका खुल गया सीट। तो जो इसका बूट है वो है 18 लीटर का है। तो पहले जितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना पहले था जो 5G में आता है 18 लीटर का, इतना इसका बूट स्पेस है। आप इजीली इसमें थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। तो 18 लीटर का है, कोई बुरा नहीं है, जितना था पहले उतना ही है। बस इधर से आपका ये अलग करके इधर कर दिया है, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। तो अपन खोलते इसका फ्यूल कैप। फ्यूल कैप का भी आपका इधर से दिया, सिंपली ये आप प्रेस करोगे देन ये आपका खुल गया फ्यूल। तो ये मेरे को ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इसका जो फ्यूल कैप है उसका इतना अच्छे से आप देखो, कोई बोल नहीं सकता कि इसमें फ्यूल कैप कहाँ है। मतलब इतना हाइट करके बनाया है डिज़ाइन, कैसा लगेगा ये डिज़ाइन, इसमें कुछ है ही नहीं। तो फ्यूल कैप भी सिस्टम डायरेक्ट आप इधर से खोल लो, तो ये एक गुड थिंग है। तो भाई बात करें इसका माइलेज की और फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसमें फ्यूल कैपेसिटी आता है 5.3 लीटर्स और इसका माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है 55 का, जो कि ठीक है। 60 तक का तो देगी फिर भी मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक्टिवा 60 तक का देती है, तो ये तो देगी देगी। पीछे से आप देखो लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका टेल लाइट का, और इनने इसका भी थोड़ा चेंज किया है इंडिकेटर्स, मतलब पीछे से लुक पूरा चेंज है मेरे हिसाब से, तो पूरा चेंज है, मेरे को चेंज ही लग रहा है पूरा। और साइड में आपको लिख देगा एक्टिवा 6G, ये मिल जाएगा आपको। और आप इस साइड आओगे तो आपको मिल जाएगा इधर ये हीट का जो इसका साइन है, ये मिल जाएगा एक्टिवा 6G लिखा आएगा BS6 के साथ, ये भी आपका लिखा है। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की, अब बात करते हैं एक्टिवा के इंजन की। तो इसका इंजन है 109.51 cc का, और है फैन कूलेट 4-स्ट्रोक SI इंजन जो सिंगल सिलेंडर है, और 7.79 PS एट 8000 RPM। मैक्स टॉर्क इसका 8.79 Nm एट 5250 RPM, और इसका इंजन है FI। तो स्टार्ट सुबह आप कोल्ड स्टार्ट करोगे तो खूब अच्छे से, मतलब बिना प्रॉब्लम होके चालू हो जाएगी। तो अपन इसका सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को इसमें लगी है इस बाइक में, वो है सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी है वो है इसका सेल्फ। गाइज आप विश्वास नहीं करोगे, इसके जैसे मैंने सेल्फ आज तक किसी और अदर स्कूटर में मोपेड में नहीं देखा है। हालांकि मेरे पास एक्सेस भी है, ये भी मेरी बाइक है, मेरे पास एक्सेस भी है, मैंने उसका भी देखा, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा सेल्फ। तो मैं जब इसको स्टार्ट करूँगा तो मेरे को पता ही नहीं चलता है, ये देखो पता ही नहीं चलेगा कि बाइक स्टार्ट हो गई है। ये देखो मतलब यार सेल्फ की बिल्कुल एक भी आवाज़ नहीं है, जैसे आवाज़ आती है ना इस टाइप से आवाज़ आती है, वैसे बिल्कुल आवाज़ नहीं हो। ये किल स्विच है तो आपको इधर से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, देन आप इधर से चालू करो बाइक। और ये अब ये मेरे को नहीं पता कि किस कारण इतना अच्छा स्मूथ इसका सेल्फ काम करता है, मेरे हिसाब से FI की वजह से, मगर मेरी एक्सेस में भी FI है, उसमें तो अच्छा काम नहीं करता। तो ये मतलब कुछ अच्छी चीज़ है इस बाइक में कि यार इतना अच्छा। पीछे आपको 10 इंच का मिलेगा टायर और अगला 12 इंच का, तो ये एक अच्छा अपडेट है। तो गाइस बात करते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट, सॉरी एक्टिवा का एग्जॉस्ट। तो इसका जो एग्जॉस्ट है पहले से काफ़ी छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट, मतलब छोटा सी जगह में आ गया है, पहले का थोड़ा सा बड़ा था। और इसमें ये मेटल का है ये भी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि तो बहुत सी मोपेडों में फाइबर का रहता है तो टूट जाता है, इसमें मेटल का दिया गया है। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट। बस थोड़ा सा इसका क्या है, इसकी जो बेल्डिंग्स है ये दिखती हैं, तो ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, दिख रही तो मेरे को अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा इसको सही रहना था। तो देखते हैं सेल्फ कैसा वर्क करता है। मेरे साथ मेरे लिए तो भाई इतना अच्छा वर्क करता है, मैंने कभी जो आपको बताया इससे अच्छा वर्क शायद ही कोई और मोपेड का मैंने देखा हो। तो स्टार्ट करते हैं बाइक, ये मतलब क्या है ये, तुरंत स्टार्ट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताऊँगा कि सिटिंग पोजिशन कैसी है। तो भाई अभी अपन चला रहे हैं एक्टिवा 6G, तो इसका जो सिटिंग स्पेस है, मतलब जो आगे का फुट स्पेस है जहाँ अपन पैर रखते हैं, तो पैर का जो बढ़ाया गया है 5G से इंक्रीज है, पैर रखने की जगह है 23 mm ज़्यादा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल और बढ़ गया, मतलब पैर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो गाड़ी से ले लेते हैं यूटर्न, आगे रोड नहीं है, तो थोड़ा सा इसका पावर देखते हैं कैसा दे रही है। तो पहले अपन करेंगे इसका पावर 0 to 60, 1, 2, 3,
अब करेंगे अपन इसका ब्रेकिंग टेस्ट, ब्रेक मारेंगे अपन और देखेंगे कि कितनी देर में रुकती है। तो 1 2 3 पिछला ब्रेक मार रहा हूँ मैं, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब फिर भी 10 फीट पे गाड़ी रुक गई। ये देखो मैं इधर लगाऊंगा तो ये 10 फीट ले रही है रुकने के लिए 60-0 में। और अब मैं दोनों ब्रेक यूज़ करूँगा, मतलब रेयर भी और फ्रंट भी, तो देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा, मतलब पहले वाला अच्छा था कि दोनों एक साथ लगा तो अच्छा है। थोड़ा सा अंतर आया है, ब्रेकिंग कराऊँ मैंने तो ब्रेकिंग भी अच्छी है और राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब पावर थोड़ा इतना नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब पावर एज़ कम्पेयर टू 5G थोड़ा कम लगा है मेरे को, थोड़ा सा कम लगा है पावर, मतलब। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ अगर आप अभी चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको कंपेरिजन चाहिए एक्टिवा 5G से या एक्सेस से, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि इसका कंपेरिजन करो, तो मैं कंपेरिजन फुल वीडियो कंपेरिजन का बना दूंगा आपके लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी आपको वीडियो लगी। ओके गाइस, बाय बाय, सेफ राइड। We'll be right back.